हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर शाम के लिए कि उसने हमें एक बार फिर ये मौका दिया कि हम उसके नाम को महिमा देने वाले हो सके। सच है प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, और आज हम परमेश्वर से उसकी उपस्थिति को हम अपने बीच में मांगेंगे। आइए कुछ गीतों के द्वारा उसके नाम को महिमा देंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. सच में खुदावन आपकी हस्ती के आनंद की भरपूरी है, और यह आनंद सदैव हमारे जीवन में पाया जाए। Thank you, Master. कितना हसीन वादा है किया खुदावन ने, कितना हसीन वादा है किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। आरुआ है, चाहे हर दिल में आना। दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो गलियां देख ले। जिसका बने है माली वो गलियां देख, कर ले कब जाए पाकरू। आ रुआ आ रुआ आ रुआ, तेरी महिमा के बादल बरसे इस जगह पर, तेरी आत्मा की वर्षा होवे इस जगह पर, तेरी महिमा की बादल बरसे इस जगह पर, वर्षा हो बे से
प्रभु छूले छूले हम सभी को। थैंक यू मास्टर। सच में खुदावन तेरी उपस्थिति में ही आनंद की भरपूरी है खुदावन, तो हम सबको छूले खुदावन। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन इस शाम के लिए और तेरी उपस्थिति के लिए तूने हमारे जीवन में। सच में खुदावन हम तेरे साथ जाना चाहते हैं। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह फिर से आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से तू आग बरसा दे, फिर से तूफान आने अपनी भेजूं, तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, तू अपनी भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने, यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने, जमा
कर ले कब जाए पाक रूप, कर ले कब जाए पाक रूप, कर ले कब जाए पाक रूप। हम रैली के साथ प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद महान अनुग्रह कार्य दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से पिता धन्यवाद करते हैं एक खूबसूरत संगति के लिए पिता, आपकी उपस्थिति के लिए पिता जो हमारे जीवनों में पिता पाई जाती है। खुदावन धन्यवाद करते हैं पिता इस समय में पिता, जबकि पिता आप हमारे बीच में हैं खुदावन, पिता सच में खुदावन आप हमें हर एक परिस्थिति में पिता साथ रहते हैं खुदावन, पिता आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, कभी अनाथ नहीं छोड़ते पिता। सच में पिता संसार हमें छोड़ सकता है लेकिन पिता आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते खुदावन। पिता प्रार्थना करती हूँ इस समय में पिता खुदावन के पिता आपके दास के लिए पिता, जो वचन का बीज पिता हमारे बीच में लेकर आते हैं खुदावन पिता, वो पिता जितने भी लोग देखते हैं सुनते हैं खुदावन उन सब के जीवनों में पिता 100 गुना फल लाने पाए पिता। हे मेरे परमेश्वर यहोवा प्रार्थना करती हूँ पिता के पिता हर एक के जीवन पिता बदलने पाए इस वचन को सुन के खुदावन। हे मेरे परमेश्वर पिता सारी टीम को पिता, पिता जो आपकी आराधना करती है खुदावन आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदावन, और आपकी बेहतर उपस्थिति को पिता हमारे जीवनों पर पिता मांगती हूँ खुदावन। हे मेरे परमेश्वर एक बार फिर से पिता सारी बातों को पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, और धन्यवाद करती हूँ पिता आपका पिता, इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता से मांगती हूँ। हालेलुया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने फिर से ये अवसर दिया है कि हम प्रभु के वचन से कुछ बातों को सीखने पाए। मैं आशा करती हूँ कि हम सब परमेश्वर में आनंदित हैं, हम सब दिन प्रतिदिन उसमें उन्नति करते जा रहे हैं। आइए जब हम उसके वचन को सुनने पर हैं तो उससे पहले एक प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर प्रभु कि आपने फिर से हमको ये अवसर दिया परमेश्वर कि हम आपके वचन से सीखने पाएं प्रभु। सच में पिता जब आप हमें अपने वचन से सिखाते हैं प्रभु तब हम उन्नति करने पाते हैं परमेश्वर। प्रभु जबकि आपने आज का दिन ठहराया प्रभु कि आपके वचनों को मैं बांट सकूं परमेश्वर, आपकी सामर्थ को प्रभु अपने लिए मांगती चाहती प्रभु कि आपका आत्मा मुझ पर ठहरने पाए, मेरे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द प्रभु दूसरों की उन्नति का कारण होने पाए प्रभु। हर एक जन को प्रभु जो इस वचन को सुनने पर है पिता उसको आपके नाम से हम ब्लेस करते हैं, और चाहते परमेश्वर पिता जब वो ये वचन सुने प्रभु उनके लिए ये वचन प्रभु उनके जीवन में बदलाव का कारण होने पाए प्रभु। हर एक जन को प्रभु आपके नाम में हम ब्लेस करते, हर एक जन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते, पूरे वचन को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया प्रियो, आज हम एक बात करेंगे एक ऐसे शब्द के बारे में जो कि हम सबके जीवन में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा, और वो शब्द है पछतावा, अफसोस या फिर रिग्रेट। प्रियो पछतावे का अर्थ होता है दुखी होना उस बात के लिए जो आप पास्ट में कर चुके, ऐसी गलतियों के लिए अफसोस करना पछतावा करना जो कि हम पहले कभी हमने करा था और हम आज तक उन बातों के प्रति दुखी पाए जाते हैं। प्रियो हम सबके जीवनों में पछतावा ज़रूर आता है, किसी अगर हम एक छोटे बच्चे की बात करें तो छोटे बच्चे के जीवन में पछतावा किस रूप में आता है कि उसके पेरेंट्स ने उससे कहा था कि आप इस काम को पूरा करना तो हम आपको एक चॉकलेट देंगे, लेकिन उस बच्चे ने अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानी और उसे वो चॉकलेट नहीं मिली, लेकिन उसके भाई को भी जो आज्ञा दी गई थी उसने उसको पूरा करा और उस बच्चे को चॉकलेट मिली, लेकिन जो पहला बच्चा था जिसने उस आज्ञा को नहीं माना वो अफसोस में हो जाता है कि ओह अगर मैंने वो काम कर लिया होता तो मुझे भी चॉकलेट मिल जाती। अगर हम बात करें एक ग्रेजुएट करने वाले बच्चे की, एक हाई स्कूल के बच्चे की, जो बच्चा पढ़ रहा है अपनी स्टडीज़ को कर रहा है, तो हम जानते हैं सारे ही बच्चे एक्सेल नहीं करते है ना, सब बच्चे टॉप नहीं करते, लेकिन कारण क्या होता है उसके पीछे टॉप ना करने का, क्योंकि प्रियो चाहते तो सारे पेरेंट्स यही हैं कि हमारा बच्चा फर्स्ट आए, और हम खुद भी यही चाहते हैं कि हम अच्छे मार्क्स लेकर पास हों, लेकिन जब हम उसकी तैयारी कर रहे होते हैं तब हम अपनी तैयारी में कमी छोड़ देते हैं,
अगर एक बच्चा 10 घंटे पढ़ रहा होता है तो शायद हम सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ रहे होते हैं, और जब रिजल्ट आता है तब हमें अफसोस होता है अपनी कम परसेंटेजेस को देखकर। तब हमें अफसोस होता है कि काश मैं अच्छे से पढ़ लिया होता तो मेरी जो डिवीजन थी वो और अच्छी हो सकती थी। और प्रियो, बहुत सारे बच्चों के जीवन में इस बात का भी अफसोस रह जाता है कि वो 10th के एग्ज़ाम में या 12th के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, या फिर वो अपने ग्रेजुएशन को कम्प्लीट नहीं कर पाए। अगर हम बात करें एक पति पत्नी के बारे में, तो प्रियो उनके जीवन में भी अफसोस आता है। और अफसोस कब आता है? जब वो एक गलत रिलेशनशिप में पढ़कर, ऐसे रिलेशनशिप में पढ़कर जिसकी आज्ञा उनको प्रभु की ओर से नहीं मिली थी, ऐसे रिलेशनशिप में पढ़कर जहाँ इसकी आज्ञा उनके माता पिता ने उनको नहीं दी, उन्होंने मना करा था कि मत जाओ तुम इस रिलेशनशिप में, मत पढ़ो, इस शादी को मत करो, लेकिन फिर भी उन्होंने कर लिया। और आपने देखा होगा ऐसे लोग कुछ समय बाद ही पछतावे को अपने जीवन में पा रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं, अफसोस कर रहे होते हैं कि मैं क्यों इस शादी में आ गया, मैंने क्यों इस शादी को कर लिया, मैं क्यों इस संबंध में आ गया। प्रियो, हम सब के जीवनों में कभी ना कभी अफसोस ज़रूर आता है। अगर हम बात करें एक बीमार व्यक्ति की, तो बीमार व्यक्ति के जीवन में भी अफसोस आता है। कैसे? डॉक्टर ने उसको बोला कि तुम ढेर इस सारी मेडिसिंस को खाना, अच्छे से इसका सेवन करना, जिस टाइम पे बोला गया उस टाइम पर खाना। लेकिन हमने क्या करा, हमने डॉक्टर की आज्ञा को नहीं माना और हमने अपनी मेडिसिंस को स्किप कर दिया, और फिर हम बीमारी में चले गए, हम परेशानी में आ गए, हमने अपने आप को परेशानियों में डाल दिया। तो हम तब क्या करते हैं, अफसोस करते हैं कि ओह, अगर परमेश्वर, अगर मैंने डॉक्टर की बात को मान लिया होता, अगर मैंने मेडिसिंस को खा लिया होता, कंज्यूम कर लिया होता, तो मेरी स्थिति आज ऐसी नहीं होती जैसी आज मैं पाया जा रहा हूँ जिन स्थितियों में। प्रियो, हम सबके जीवनों में ऐसा टाइम ज़रूर आता है कि हम पछतावे में जाते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि पछतावा आता कैसे है हमारे जीवन में? प्रियो, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगी जो पाया जाता है 1 शमूएल उसका 15 अध्याय और उसके 11 पद में। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। प्रियो, परमेश्वर पछताए, क्यों? क्योंकि शाऊल जो कि राजा नियुक्त करा गया था परमेश्वर के द्वारा, उसने क्या करा, उसने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया। प्रियो, पछतावे का सिर्फ एक ही कारण होता है हमारे जीवन में, जब हम आज्ञाओं को नहीं मानते, जब हम परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, जब हम उन बातों को नहीं करते जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, हमारे बड़े हमसे चाहते हैं, हमारे माता पिता हमसे चाहते हैं। प्रियो, बहुत से जीवन आज ऐसे पाए जाते हैं जिनके जीवन में पछतावा एक डेली रूटीन बन गया है, वो एक ही बात पर शायद अटके हुए हैं सालों से। हो सकता है कि आज उनकी एज 25 है, लेकिन वो उस रिजल्ट को जो 20 जब वो एज के थे, तब उस रिजल्ट के वजह से वो आज भी अफसोस में पाए जाते हैं कि ओह, मैंने काश 12th क्लास को अच्छे से पास कर लिया होता, मैं पास हो गया होता एक बार में, तो मैं आज स्थिति में नहीं पाया जाता। या फिर मैं उन लोगों से विशेषकर बात कर रही हूँ जो रिलेशनशिप्स में थे, जो गलत रिलेशनशिप्स में थे, और वो उससे बहुत मुश्किल से बाहर आए, लेकिन फिर भी वो कम्प्लीटली बाहर नहीं आए, वो वहीं रुके हुए हैं आज भी, और बार बार उसी रिलेशनशिप के लिए सोचते रहते हैं, अफसोस करते रहते हैं कि मैंने क्यों उस रिलेशनशिप में मैं गया, मैं उस व्यक्ति के साथ क्यों गलत संबंध में गया। और प्रियो, परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप उस अफसोस में पड़े रहें, आप अपनी ज़िंदगी उसी अफसोस में पड़े पड़े निकाल दें। मैं जानती हूँ, निश्चित रूप से जानती हूँ कि बहुत सारे जीवन ऐसे हैं जो आज अफसोस में पाए जा रहे हैं, जिन्होंने शायद जिनको इस बात का अफसोस है कि वो बहुत अच्छा अपने जीवन में कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद इस बात के अफसोस में है कि जो बातें उनके मुख से एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पर नहीं निकलनी चाहिए थी वो निकली, और उस कारण से बहुत सारी बातें बिगड़ गई, लड़ाइयाँ हो गई, झगड़े हो गए। प्रियो, हमारे जीवन में पछतावा आता ही इसलिए क्योंकि हम आज्ञाओं को नहीं मानते। आपको पता है, मेरे जीवन में भी ऐसा ही होता था, जब मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी और मैं बिना सोचे समझे बोलती थी, मम्मी पापा बोल के भेजते थे घर से कि ज़्यादा नहीं बोलना, चुप रहना, पहले सबकी सुनना, स्पेशली मेरी मम्मी की, पहले सबकी बातें सुनना और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, और अगर रखना ज़रूरी नहीं हो तो चुप रहना। लेकिन मैं बोल देती थी अपनी बातों को, और बोलते बोलते मैं इतने गुस्से में आ जाती थी, मुझे पता भी नहीं चलता था कि मैं कब गुस्से में आ गई, और सारी चीज़ें जो शायद बहुत बेहतर हो सकती थी वो ख़राब हो जाती थी। और घर पर आकर फिर मैं अफसोस करती थी, मैं महीनों तक, मैं हफ्तों तक उस अफसोस में जीती थी कि ओ प्रभु, अगर मैंने उस दिन उन सारे शब्दों को अपने मुख से नहीं निकाला होता तो शायद आज चीज़ें ठीक होती, शायद चीज़ें आज वैसी होती जैसी आप चाहते हैं। लेकिन प्रियो, ऐसा नहीं हो पाता। हम सब
कई बार अपने जीवन में अपने बड़ों की आज्ञाओं को नहीं मान पाते, अपने टीचर्स की आज्ञाओं को नहीं मानते और परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। पर क्या जो चीज़ें बीत चुकी हैं, जिस अफसोस में आप रह चुके, जो गलतियां आपने कर दी, क्या उस चीज़ में अटकाए रहना ठीक है? क्या अफसोस जो आपको एक सर्टेन टाइम पर हुआ, क्या आज भी आप उसी अफसोस में पाए जा रहे हैं? क्या आप आज भी यही सोच रहे हैं कि काश मैंने उस पढ़ाई को अच्छे से कर लिया होता, काश मैं उस रिलेशनशिप में नहीं गया होता, या फिर काश मैंने उस जॉब को अच्छे से करा होता जो मुझे बड़ी मुश्किलों से हासिल हुई थी, या फिर उस पोजीशन को मैंने बहुत अच्छे से बनाए हुआ रखा होता जो मुझे एक सर्टेन टाइम पर प्राप्त हुई थी। हम सबके जीवन में ऐसा टाइम आता है जब हमें एक जगह पे बहुत अच्छी पोजीशन पे रख दिया जाता है, लेकिन हम उसे मेंटेन नहीं कर पाते। हमें लगता है कि अरे कोई बात नहीं, हमें रख दिया गया हाई पोजीशन पे, ये तो मामूली सी बात है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम बहुत लाइटली इन चीज़ों को लेने लगते हैं, हम आज्ञाओं का पालन करना छोड़ देते हैं और फिर हमारे जीवन में पछतावा आना आरंभ होता है। क्योंकि परमेश्वर, जब हम आज्ञाओं को नहीं मानते तो वो हमें उस स्थान से हटा देते हैं। ऐसे ही लोग जब हम अपने माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानते तो जो चीज़ें वो हमारे लिए कर रहे होते हैं पहले, शायद वो उससे कम करना आरंभ कर देते हैं। हमारे टीचर्स, जब हम एक ही मिस्टेक को बार बार रिपीट करते रहते हैं तो हो सकता है कि वो सारी चीज़ें जो वो हमसे चाह रहे थे कि हम अच्छे से करते, वो उस बातों के लिए हमें टोकना बंद कर देते हैं और हमारे जीवन में फिर एक समय पर आकर अफसोस ही बाकी रह जाता है। पर मैं आज उन लोगों से बात कर रही हूँ जो आज भी अफसोस में अपने जीवन को बिता रहे हैं, पछतावे में, रिग्रेट में अपने जीवन को बिता रहे हैं। प्रियो, आज समय है कि अब आपको उस पछतावे से बाहर निकलना है, क्योंकि हो सकता है आपने बहुत सारी गलतियां करी हो सकता है आप उस रिलेशनशिप्स में गए हो जहां परमेश्वर ने आपको अलाउ नहीं करा था, जहां आपने अपनी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों लाइफ को ख़राब कर दिया था। लेकिन प्रभु आपसे चाह रहे हैं कि आप उस रिग्रेट के जीवन से बाहर निकल कर आए। क्योंकि प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप आज पछतावे में जी रहे हैं, आज आप रिग्रेट के जीवन को जी रहे हैं, तो उससे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। आपको पता है पछतावे के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए काफ़ी हैं। पहला पछतावे का जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि अपने टाइम को हम वेस्ट करते हैं। आप सोचिए, हम बैठे रहते हैं, हम सोचते रहते हैं कि काश मैंने उस समय इस चीज़ को कर लिया होता, और हम बैठकर जो हमारे को आज दिन मिला होता है, आज हम जब कुछ कर सकते हैं, जब मॉर्निंग स्टार्ट हुई, जब दिन स्टार्ट हुआ और हम उस दिन में कुछ कर सकते थे, तो हम उसी थॉट, उसी बात के बारे में सोच रहे होते हैं जो शायद एक दिन पहले, दो दिन पहले या हफ्ते भर पहले हुई होती है, और हम उसी बात को सोचते सोचते अपना पूरा दिन निकाल देते हैं। वो बच्चे जो फेल हुए होते हैं वो ये नहीं सोचते कि हम आगे बढ़ें, कोई बात नहीं, जो हो गया तो हो गया, अब ज़रूरी है कि हम आगे बढ़ें और अच्छे से मेहनत करके अच्छी सक्सेस को हासिल करें। शैतान चाहता है कि आप वहीं अटके रहें, अपने टाइम को वेस्ट करते रहें, और जब तक आप पछतावे में रहेंगे कि मैंने ये कर लिया होता, मैंने वो कर लिया होता, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहला जो कॉन्सिक्वेंस है वो वेस्ट ऑफ टाइम है। आप रिग्रेट में जब होते हैं तो अपने टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़, पछतावे भरा जीवन किसी के लिए भी लाभकारी नहीं है, किसी के लिए भी लाभकारी नहीं है। आप सोचिए, आपके पास कोई फ्रेंड आपका आए और वो आपको 10 साल पुरानी बात बता रहा हो कि पता है मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था। आप उसकी बात सुनेंगे, ठीक है ऐसा हुआ, लेकिन फिर आप सोचेंगे कि ठीक है, अब इसने मुझे इतनी बेकार बात बताई जो इसके साथ पहले हुई थी, लेकिन अब ये मुझे कुछ अच्छा भी बताए कि इस 10 साल में इसने क्या रिकवरी करी। लेकिन अगर आपका फ्रेंड आपको ना बताए कि उसने क्या रिकवरी करी और यही कहते रहे कि मैं आज तक उस बात के लिए पछताता हूँ, आज तक मैं यही सोचता हूँ कि काश मैंने उस समय उस चीज़ को कर लिया होता, तो आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे ये व्यक्ति तो बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और आपका भी टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि वो 10 साल पुरानी बातों को आपको बता रहा है, वो उन चीज़ों से बाहर निकला ही नहीं जबकि उसको उन चीज़ों से बाहर निकल जाना चाहिए था और उस जीवन को प्राप्त करना चाहिए था जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा है। तो प्रिय, रिग्रेट का दूसरा कॉन्सिक्वेंस है कि ये किसी की भी सहायता नहीं करता, ना आपकी करेगा जो पछतावे में जी रहे हैं और ना दूसरे की करेगा, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ टाइम वेस्ट करती हैं, आपका भी और सामने वाले का भी, क्योंकि आप उसी चीज़ों में अटके रहते हैं। थर्ड कॉन्सिक्वेंस जो है वो है, आपके जीवन को ये पॉइजन लेकर आता है आपके जीवन में, है ना? आप कह रहे होंगे कैसे पॉइजन लेकर आता है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो रिलेशनशिप्स में पड़ गए होते हैं। सोचिए, एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में थे, वो गलत चीज़ में पड़ गए,
फिर बाद में लड़की को रियलाइज हुआ कि नहीं, वो तो अन्य जाति है, मेरे को उसके साथ नहीं रहना था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना था, लेकिन हम चले गए उसके साथ रिलेशनशिप में। हमने बहुत सारे महीने बिताए, साल बिताए, और फिर एक टाइम आया कि हमारी चीज़ें खराब हुई और हम अलग हो गए। और आज वो लड़की उसी सदमे में है, उसी अफसोस में बैठी हुई है, अपना समय बर्बाद कर रही है। उसने कभी परमेश्वर के सामने आके रिपेंट नहीं करा कि प्रभु मुझे माफ़ कर दे, मुझे क्षमा कर दे कि मैं उस रिलेशनशिप में गई जो आपकी ओर से नहीं था, मैंने उसमें अपना समय बर्बाद कर दिया और अपनी सारी चीज़ों को खो दिया जो शायद आप मुझे देने पर थे। वो उसी अफसोस में, क्योंकि उसने रिपेंट नहीं करा। प्रियो, हम जब तक रिग्रेट में हैं, जब तक हम अपना जीवन अफसोस में बिता रहे हैं, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि उसका वचन हमें बता रहा है कि हमें रिपेंट करना है। बहुत हुआ अफसोस में अपने जीवन को बिताना, अब समय है कि हम रिपेंट करें। प्रियो, मैं आपके लिए एक जगह से पढ़ूंगी, मती उसका 21 अध्याय और उसका 28 और 29 पद, जहाँ दो पुत्रों का दृष्टांत दिया है। वहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। हालेलुया। प्रियो, एक पिता है, उसने अपने पुत्र से कहा कि तू जाकर आज दाख की बारी में काम कर, लेकिन उसने मना कर दिया, उसने आज्ञा को टाल दिया कि नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो पछता कर बाद में गया, उसने आज्ञा को पूरा करा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज, हम अटके हुए हैं उसी जीवन में। ठीक है, जो गलतियां हो गई थी वहीं अटके हुए हैं, बार बार उन्हीं को सोचते हैं। शैतान भी ये चाहता है कि हम उन्हीं चीजों में अटके रहें, उसी चीजों में फंसे रहें और कभी आगे ना बढ़े। इस पुरुष ने, इस बेटे ने, इस पुत्र ने अपने पिता की आज्ञा को नहीं माना, लेकिन फिर उसे रिग्रेट हुआ, उसे पछतावा हुआ और वो गया, उस काम को उसने पूरा करा। हमें भी आज यही करना है। अगर हम आज रिग्रेट में पाए जा रहे हैं, अफसोस में पाए जा रहे हैं, उन बातों को अफसोस कर रहे हैं जो शायद बहुत टाइम पहले बीती थी, या फिर कल भी अगर वो बात आपसे हो गई है, तो आज प्रभु आपको बुला रहे हैं कि तू रिपेंट कर मेरे सामने, तू आ और मुझसे क्षमा मांग उन सारी बातों के लिए जो बीत चुकी, क्योंकि तुझे पास्ट में नहीं जीना है। परमेश्वर का वचन हमेशा हमें बताता है कि हमें आगे की ओर दौड़ना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपके घर में दूध उबल जाए, क्या होता है, जब हम दूध उबाल रहे होते हैं, हम किचन में होते हैं, तो मम्मी ने बोल के भेजा होता है, बेटा दूध के पास खड़े है ना, हिलना मत वहां से। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे कोई बात नहीं, अभी तो बहुत टाइम लग रहा है दूध उबलने में, थोड़ा सा आगे कुछ और काम कर लेता हूँ, चला जाता हूँ, है ना। किचन से हम यूँ छोड़ के आते हैं और जैसे हम वापस जाते हैं, दूध उबला हुआ होता है, पूरा फैल जाता है ना। हुआ क्या, हमने अपनी मम्मी की आज्ञा को नहीं माना, हम किचन को छोड़कर गए और जैसे हम लौट कर आए, दूध उबल कर पूरा फैल गया। तो क्या आप वहाँ बैठकर अफसोस करते रहते हैं कि प्रभु ये क्या हो गया, मम्मी देखो ये क्या हो गया? क्या आप उस दूध को ऐसे ही पड़े रहने देते हैं, या फटाफट एक्शन लेते हैं तुरंत से कि नहीं, पोंछना है इसको, साफ करना है? यही करते हैं ना हम, जब दूध गिर जाता था हम उसको तुरंत साफ कर देते हैं कि नहीं, गलती हो गई, हमने आज्ञा को नहीं माना, लेकिन अब उसको साफ कर दो, उसको ठीक कर दो। बिल्कुल इस पुत्र ने भी यही करा, उससे गलती हुई, उसने अपने पिता की आज्ञा को नहीं माना, लेकिन फिर जब उसको रियलाइज हुआ कि उसने अपनी पिता की आज्ञा को नहीं माना है, तो वो गया और उसने उस काम को करा, दाख की बारी में जाकर काम को करा। प्रियो, हमें भी यही करना है आज। परमेश्वर के वचनों को हमने शायद आज तक निग्लेक्ट करा हो, अपने माता पिता की आज्ञाओं को ना माना हो, अपने पास्टर्स की, अपने बड़े लोगों की आज्ञाओं को नहीं माना हो और अफसोस में हम गए हों, लेकिन अब समय है कि हमें उस सारी गंदगी को, जैसे दूध फैलने से गंदगी हो जाती है, वैसे ही हमारे आज्ञा ना मानने से हमारे भीतरी जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में बहुत सारी गड़बड़ियाँ आ जाती है, बहुत सारी गंदगी आ जाती है। आज समय है कि हमें उस गंदगी को साफ करना है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम गंदे रहें, परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र बन जाएं। तो प्रियो, अगर आज आप अफसोस में पाए जा रहे हैं, रिग्रेट में पाए जा रहे हैं, तो समय आ गया है आपके लिए कि आप अपने पछतावे भरे जीवन से बाहर निकल आए, आप उन आशीषों को रिसीव करें जो प्रभु ने आपके लिए रखी है, आप उन सारी बातों को करें जो प्रभु ने आपके लिए रखी है। क्योंकि जो चीज़ें नहीं हुई उनके बारे में सोच कर हमें कुछ लाभ नहीं है। जिन बातों को हमने नहीं करा जब हमें करना चाहिए था, क्या उन बातों को सोचकर हम आज कुछ कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें बढ़ना है परमेश्वर की ओर। बहुत हुआ अफसोस में जीना, बहुत हुआ इस बात को सोच सोच कर जीना कि मैं बीमारी में क्यों पड़ा, कि मैं क्यों उस जॉब को प्राप्त नहीं कर पाया,
कि मैं क्यों अपनी पढ़ाई को नहीं कर पाया, कि मैं क्यों उस गलत रिलेशनशिप में गया, कि मैं क्यों उन गलत बातों में गया जो परमेश्वर की ओर से नहीं थी, जो मेरे माता पिता की ओर से नहीं थी और मैंने आज्ञा न मानने के कारण से करी। प्रियो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं पता है जो गलत कामों को करते हैं ना, उनमें से 50% लोग ऐसे पाए जाते हैं जो अफसोस में जी रहे होते हैं और वो उन मिस्टेक्स को बार बार रिपीट सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी रिपेंट नहीं करा परमेश्वर के सामने जाकर, वो उसी अफसोस में जी रहे होते हैं। शैतान उनके मन में डेली डाल रहा होता है कि देख तूने ये काम करा है, तुझे तो अफसोस होना चाहिए इस बात के लिए, तू क्या प्रभु के सामने जाएगा, तू क्या उसकी उपस्थिति में बैठेगा, तू क्या उससे प्रेम जताएगा। हम कोशिश भरपूर कर रहे होते हैं कि हम प्रभु की उपस्थिति में जाएं, हम उससे प्रेम करें, लेकिन जैसे ही हम प्रार्थना करने बैठते हैं शैतान हमारे माइंड में थॉट डालता है कि तू उससे प्रेम करेगा, तू उससे प्रार्थना करेगा, तूने तो देख ये गलती करी है, तेरा जीवन तो अफसोस भरा होना चाहिए। और होता है जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं और हमें लग रहा होता है कि हमने किसी गलत काम को कर लिया है, तो उस समय की जो प्रेजेंस होती है लॉर्ड की, उसको हम महसूस नहीं कर पाते और वो सिर्फ इस कारण से होता है क्योंकि हमने अपने जीवन में रिपेंटेंस को नहीं करा, हमने परमेश्वर के सामने इन रखा। हम लोगों के सामने तो ज़रूर रख देते हैं अपनी सारी बातों की, अपने फ्रेंड से, हम अपने ब्रदर्स से, सिस्टर्स से, उनसे तो हम ज़रूर डिस्कस करते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया था, हम पछतावे में पाए जाते हैं, हमें रिग्रेट होता है कि हमने इन गलतियों को कर दिया। लेकिन क्या हमने कभी प्रभु के सामने इस बात को एक्सेप्ट करा है कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे, मुझे क्षमा कर दे कि मैंने तेरी आज्ञाओं को नहीं माना और आज मैं पछतावे में जी रहा हूँ। प्रियो, परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू निकल आ उस पछतावे भरे जीवन से, तेरे लिए मैंने बहुत सी अद्भुत बातों को रखा है। प्रियो, समय है हमारे पास और ये अद्भुत समय है कि प्रभु हमेशा हमारे लिए तैयार रहते हैं। उस रिपेंटेंस के लिए उन्होंने हमेशा जगह छोड़ी है, चाहे हम कितने भी रिग्रेट में हो, कैसा भी हमारा जीवन हो, कितनी भी गलतियाँ क्यों ना कर दो, कितने भी अफसोस से भरे क्यों ना हो, प्रभु के पास हमेशा हमारे लिए जगह है, वो बाहें फैलाए हुए हमेशा खड़ा है हमारे लिए। मैं आपके लिए एक जगह से पढ़ूंगी, यशाया 43 उसकी 18 और 19 पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, देखो मैं एक नई बात प्रकट करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, अब मत सोचिए उन सारी बातों के बारे में जो आपने पहले करी थी, उन गलतियों के बारे में जो आपसे अनजाने में या फिर जानकर भी हुई, वो गलतियाँ जो आपने शायद आज्ञा ना मानने के कारण अपने जीवन में आप लेकर आए, आपने ठोकर को खाया क्योंकि आपने अपने बड़ों की आज्ञाओं को नहीं माना, आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको बता रहा है, वो आपको एक न्यू रोड दिखा रहा है कि बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि आपको परमेश्वर के आगे रिपेंट करना है, प्रभु से कहना है, प्रभु जो हो गया वो हो गया, मुझे क्षमा करिए, मैं अपनी सारी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ और मैं इन सारी बातों का, क्योंकि प्रभु आपने ही मुझसे कहा है कि इन बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इन सारी बातों को स्मरण ना करूँ, ना प्राचीन कालों की बातों पर मन लगाओ। जो बातें प्राचीन काल की बातें, अर्थात वो बातें जो पहले हो चुकी हैं, क्योंकि देखो मैं एक नई बात करता हूँ और वह अभी प्रकट होगी। कब प्रकट होगी? अभी, जब आप अभी रिपेंट कर देंगे प्रभु के सामने से कि प्रभु अब नहीं जीना चाहता मैं पुरानी बातों में, अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ अपना जीवन बिताऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी उपस्थिति में समय बिताऊँ, वो बात अभी आपके लिए आज ही प्रकट होगी। और प्रभु कह रहे हैं, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? जब तुम्हें ये अवसर मिला है कि तुम रिपेंट करो, तुम उस पछतावे भरे जीवन से बाहर आ जाओ, तो क्या तुम अब भी उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, उस जंगल में जो कि हमारा जीवन बन गया है, जहां पर कुछ नहीं पाया जा रहा, सिर्फ सूखे पेड़ पाए जा रहे हैं, सिर्फ बुरी बातें पाई जा रही है, सिर्फ अफसोस पाया जा रहा है। प्रभु कह रहे हैं कि हो सकता है बहुत सारी बातें गलत हुई है, लेकिन उन सारी गलत बातों में एक बात अच्छी है कि प्रभु का वचन आपको एक प्रॉमिस दे रहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक मार्ग बनाऊंगा और नदियों को बहाऊंगा। प्रियो, समय है कि हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन को रख दें, उन बातों के लिए अफसोस ना करें जो बीत चुकी हैं, क्योंकि जब तक हम उन बातों से बाहर नहीं आएंगे,
हम बार बार उन्हीं गलतियों को दोबारा रिपीट करते रहेंगे। अब तक हम रिपेंट नहीं कर देंगे कि प्रभु ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ मुझसे ये हो गया है, तब तक हम उन गलतियों में दोबारा गिरेंगे। इसलिए आज आपको परमेश्वर ने समय दिया है कि आप उस सारे पछतावे भरे जीवन से बाहर आ जाएं, प्रभु के पास आइए। वो आपको एक नया जीवन देने के लिए तैयार है, उसकी प्रॉमिसेस आपके लिए रखे हुए हैं, और वो प्रॉमिसेस तभी पूरे होंगे जब आप रिग्रेट से रिपेंटेंस पर आएंगे, जब आप प्रभु के सामने अपने घुटनों को टेक कर अपनी हर एक गलती को जो आपने आज तक करी है, मैटर नहीं करता कि वो छोटी गलती थी या वो बड़ी गलती थी, मैटर सिर्फ इतना करता है कि आप प्रभु के सामने आ जाइए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम अंधेरे में अपने जीवन को व्यतीत करें, उन बातों में अपने जीवन को व्यतीत करें जो प्रभु की ओर से नहीं है। प्रियो, अपने आप को तैयार करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, प्रभु हो सकता है कि मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को प्रभु आज तक खोया है पिता, बहुत सारे कामों को ऐसा करा प्रभु जो शायद मुझे नहीं करने चाहिए थे पिता, अपने मुख से ऐसी बातों को बोला जो शायद मेरे लिए ही हानि का कारण ठहरी है, ऐसे कामों को करा, ऐसी चीज़ों को करा जिनके कारण से मेरे भीतर बीमारियां पाई जा रही हैं, मेरे भीतर कड़वाहट पाई जा रही है। परमेश्वर पिता, मैं आपसे आज कहना चाहती मैं आपसे आज कहना चाहता कि प्रभु हमें क्षमा करें, हम आपके साथ एक नए संबंध में आना चाहते हैं, हम उन सारे संबंधों से जो आपकी ओर से नहीं है परमेश्वर और वो हमारे जीवन में आज तक पाए जाते थे प्रभु, उनसे हम बाहर निकलना चाहते, क्योंकि हम जानते प्रभु वहाँ डार्कनेस है प्रभु, जहाँ हम पाए जाते थे, जहाँ हम जिस रिग्रेट में हम पाए जाते थे वहाँ डार्कनेस है प्रभु, प्रभु हम रोशनी की ओर बढ़ना चाहते, हम आपके साथ एक संबंध में आना चाहते प्रभु। परमेश्वर पिता, हम सबको प्रभु हमारे पापों के लिए आप क्षमा करिए पिता, जिससे प्रभु हम उस नए जीवन को पाने पाए जो आपने हमारे लिए रखा है, हम उन प्रॉमिसेस को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने पाए प्रभु जो आपने हमसे करे हैं पिता, क्योंकि हम जानते प्रभु आप हमसे प्रेम रखते हैं और आप प्रभु हमारे जीवन में भलाई को चाहते हैं प्रभु। परमेश्वर, हर एक जन को प्रभु जिसने इस वचन को सुना है प्रभु, चाहती हूँ पिता कि सच में प्रभु वो आज से उस जीवन से प्रभु जिसमें सिर्फ अफसोस भरा हुआ था प्रभु, जिसमें सिर्फ वो बातें थी प्रभु जो आपकी ओर से नहीं थी परमेश्वर, चाहती पिता उन सारी बातों से ये बाहर निकलने पाए पिता प्रभु, ये आपकी रोशनी में आने पाए पिता, अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपने पाए और उस जीवन को जीने पाए परमेश्वर जो आपने इनके लिए रख दिया, क्योंकि प्रभु हम जानते आप हमें सक्सेस की ओर लेकर जाना चाहते प्रभु, आप हमें अपने साथ चलाना चाहते प्रभु, आप चाहते कि हम आपकी आज्ञाओं को माने प्रभु और फ्लरिश करते जाएं प्रभु जी। पिता, हर एक जन को परमेश्वर हम आपके नाम से ब्लेस करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारे रिपेंटेंस को एक्सेप्ट करा है प्रभु जी, हम धन्यवाद करते कि आप हमें नया जीवन देने पाए, हर एक बात को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक जन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये प्रोग्राम से आशीष मिली है तो आप भी इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटें। दोस्तों, अगर आप भी किसी मिनिस्ट्री से जुड़े हैं और या फिर आप अपने चर्च के लिए किसी भी प्रकार की वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड काम कराना चाहते हैं, जैसे मोंटाज, यूट्यूब और फेसबुक के लिए वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मेरे पते पे मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कार्ड पे दिए हुए नंबर और पते पे मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। परमेश्वर आपको आशीष दे।